अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी, ब्राउनीज़। आज हम बना रहे हैं ब्राउनीज़। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको बताती चलूँ। हमने मैदा 1 कप लिया है, पिसी हुई चीनी 1 कप, चॉकलेट या कोको पाउडर आप 1.5 कप ले लें, 3 अंडे, मक्खन 150 ग्राम, साल्टेड लिया है, आप अनसाल्टेड लेंगे तो थोड़ा सा डाल लें। और इसके बाद हमने कुकिंग चॉकलेट ली है 30 से 40 ग्राम, 2-3 ड्रॉप्स लिए हमने वनीला एसेंस के, 2 चुटकी हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो जी इंग्रेडिएंट हमारे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अभी हमने एक पतीला जो है उसे चूल्हे पे चढ़ा लिया है और अभी हमने इसके अंदर नमक जो है वो डाला है। अभी हम इसे अच्छे से फुला लेंगे सारे बर्तन में। नमक हमने इसलिए डाला है ताकि बर्तन जो है वो काला ना हो। और इसकी आपने जो फ्लेम है वो आपने लो रखनी है। और अभी हम इसके अंदर एक स्टैंड रख रहे हैं और अभी हमें इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फ्लेम भी आपने देख ली है कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ब्लेंडर लिया है और उसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी डाली है अभी हमने जो मक्खन लिया है वो डाल रहे हैं। इन दोनों को डालकर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अभी हमने एक अंडा ऐड किया है। हम 3 अंडे ऐड करेंगे लेकिन हम बारी बारी करेंगे क्योंकि इकट्ठे नहीं आपने ऐड करने। अभी हम एक अंडा डाल चुके हैं और अभी हम इसके अंदर दूसरा अंडा जो है वो ऐड कर रहे हैं। अभी हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जी अभी जो हमने बैटर तैयार किया था अभी हमने उसे बाउल में निकाल लिया है। और अभी हम इसके अंदर कोको पाउडर जो है वो ऐड कर रहे हैं और आपने ये छान कर ऐड करना है। साथ में आप मिक्स भी करते जाएं स्पैचुला से। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पैचुला से। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इधर हम स्पैचुला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम इसके अंदर मैदा जो है वो ऐड कर रहे हैं। मैदे को भी आपने छान कर ऐड करना है। जी अभी हम इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका जो मैदा है वो अच्छे से नज़र ना आए। और हमने वनीला एसेंस जो है वो भी 2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं और बेकिंग पाउडर जो है वो भी डाला है 2 चुटकी। अभी हम इसे अच्छे से स्पैचुला के साथ बीट कर लेते हैं। आप
आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जी ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो यूं आई है। और अभी हमने जो कुकिंग पाउडर चॉकलेट की थी उसे हमने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है, और अभी हम जो हमने बैटर तैयार की थी उसके अंदर डाल रहे हैं। और इधर हमने कुकिंग पैन लिया है और अभी हमने इसे अच्छे से ग्रीसिंग करके इसके ऊपर जो बटर पेपर बोल का आया है, और फिर हमने उसकी उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा कर उसकी ग्रीसिंग की है। और अभी हमने जो बैटर तैयार की है अभी हम इसके अंदर वो डाल रहे हैं। अभी इसे हम दो बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं वो ना बने। और अभी हम इसे हमने जो होममेड ओवन तैयार किया था अभी हम इसके अंदर वो रख रहे हैं लो फ्लेम पे 50 से 60 मिनट के लिए। तो जी देर हमारी जो बाउनीस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और अभी हमने इसके अंदर नाइफ जो है वो अंदर डाल कर थोड़ा चेक किया था तो वो बिल्कुल साफ आई थी, और अभी हम इसे निकाल रहे हैं। अभी हमने नीचे प्लेट रख कर इसके ऊपर कुकिंग पैन रखा हुआ है उल्टा करके ताकि वो निकल आए। और अभी जो हम बटर पेपर है वो उतार दिया है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्राउनीज हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और अभी हम इसको शेप में कट कर लेते हैं। अभी मैं दरमियान में से इसे गोल करना चाह रही थी तो मैंने ग्लास के साथ इसे गोल कर लिया। आप जो सी शेप चाहें आप वो दे सकते हैं। और अभी हम इसे कट कर लेते हैं साइड से। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाजार जैसी बिल्कुल ब्राउनीज तैयार हुई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इसकी फाइनल लुक ओके। अल्लाह हाफिज़।